मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से आईटीआई ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे कि आपको हाइड्रोलिक्स पंप के बारे में अच्छी तरह जानेंगे। तो हाइड्रोलिक्स पंप के बारे में जानने से पहले, जो हम लोग पिछले वीडियो में हम जाने थे कि आपको हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, उसके बारे में अच्छी तरह हम लोग जाने थे, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको हाइड्रोलिक पंप के बारे में जानेंगे कि हाइड्रोलिक पंप होता क्या है। जैसे कि आपको एक फिगर हम बना चुके हैं कि आपको बोर्ड पर, और इसके बारे में अच्छी तरह हम लोग जानेंगे। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक्स जो पंप होते हैं, उसमें आपको जो बताए थे पिछले वीडियो में कि आपको पावर पैक यूनिट, कंट्रोल वाल्व और एक्ट्यूएटर्स, जिसमें आपको पावर पैक यूनिट में आपको पंप मोटर्स यह आपको अवयव होते हैं, जो यह पंप और मोटर्स मुख्य रूप से उसमें कार्य करते हैं। और अन्य ऐसे जो होते हैं जिससे छनित्र होते हैं, या उसको बोलते हैं फिल्टर या स्टेनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो आपको होते हैं पावर पैक यूनिट में होते हैं, और पावर पैक यूनिट के ही आपको जो कार्य करते हैं अवयव, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो आपको हाइड्रोलिक पंप होता है। जो हाइड्रोलिक पंप जो होता है, मुख्यतः आपको तीन प्रकार के होता है। हाइड्रोलिक पंप आपको मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, जिसमें आपको रोटरी हाइड्रोलिक पंप और एक होता है रेसिप्रोकेटिंग हाइड्रोलिक पंप होता है, ठीक है। तो रोटरी टाइप के हाइड्रोलिक पंप और रेसिप्रोकेटिंग टाइप के हाइड्रोलिक पंप, दोनों जो होता है वह आपको मुख्य रूप से उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। पहले जो रोटरी टाइप के जो पंप होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, और यह जो आप चित्र जो देख रहे हैं, यह आपको रोटरी टाइप के पंप है और उसके टाइप्स है। रोटरी टाइप के जो पंप होते हैं, उसका जो टाइप होते हैं वह जो होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप जो आप यह चित्र में देख रहे हैं, जो यह सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है। उसी तरह से एक्सटर्नल गियर पंप होते हैं, इंटरनल गियर पंप होते हैं और वेन पंप होते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको रोटरी टाइप पंप होते हैं, और रोटरी टाइप पंप जो होते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में यह कार्य करता है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि इसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे कि यह कैसे आपको वर्क करता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि यह जो आप देख रहे हैं, यह एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और यह कहाँ लगा होता है, पावर पैक यूनिट में लगा होता है, ठीक है। पावर पैक यूनिट में आपको यह लगा होता है, आपको तीन जो हम बताए थे आपको, जिसमें आपको पावर पैक यूनिट, उसको बाद दूसरा बताए थे आपको कंट्रोल वाल्व और तीसरा बताए थे आपको कंट्रोल वाल्व के बाद तीसरा बताए थे आपको एक्ट्यूएटर्स बताए थे। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि पावर पैक यूनिट जो है, ठीक है, इसी में होता है आपको पंप होता है। पावर पैक यूनिट में ही क्या होता है, पंप होता है, ठीक है। तो इसी पंप में आपको यह पावर पैक यूनिट में ही पंप में ही जो यह सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है, जो पंप के टाइप्स जो होता है, मुख्यतः जो मुख्य गतिज के अवयव के आधार पर हाइड्रोलिक्स में आपको दो प्रकार के पंप होते हैं, जिसमें आपको रोटरी टाइप पंप और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक है। जिसमें आपको रोटरी टाइप पंप के ही यह आपको टाइप्स है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। और यह सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको पावर पैक यूनिट में होते हैं। पावर पैक यूनिट में मोटर्स, पंप एंड स्टेनर, या आपको उसको बोलते हैं कि छनित्र, या आपको फिल्टर, प्रेशर गेज, ये सभी आपको उसमें होते हैं पावर पैक यूनिट में। और यह पावर पैक यूनिट में होते हैं या सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होते हैं, या आपको भिन्न प्रकार के जो रोटरी टाइप पंप होते हैं, या आपको रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप होते हैं, वो सभी होते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि इस चित्र जो देख रहे हैं, यह सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप यह जो देख रहे हैं, जितने जो आपको भाग देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, यह आई इसको बोलते हैं, ठीक है। और यह आई जो देख रहे हैं, यही जो होते हैं, जो आपको पानी के द्वार, जिसको बोलते हैं चूसन द्वार, ठीक है, जिसमें आपको तेल को खींचने वाले जो द्वार, जो फ्लूइड टैंक से यह जुड़ा होता है, यह फ्लूइड टैंक से जुड़ा होता है, जो राउंड में आप सर्किल टाइप के डिस्क जो देख रहे हैं, जो उसको आई बोला जाता है, ठीक है। जो वह आई आपको फ्लूइड टैंक से जुड़ा होता है,
और वह फ्लूड टैंक से जुड़ा होता है और यही फ्लूड टैंक से जुड़े होते हैं और वो मोटर से भी आपको वह जुड़े होते हैं। आई जो होते हैं मोटर से जुड़े होते हैं और चूसन द्वार से भी आपको जुड़े होते हैं। तो क्या होता है कि जब यह आपको मूव करता है तो मूव करने के बाद और इसी सेंटर में, इसी के सेंटर में यह जो होते हैं कि आपको जो देख रहे हैं कि इम्प्लायर ब्लेड्स जो होते हैं, इम्प्लायर ब्लेड्स जो होते हैं यह जुड़े होते हैं, ठीक है। जब यह आपको रोटरी मोटर के द्वारा जब इसको चलाया जाता है, मोटर के द्वारा जब चलाया जाता है तो चूसन द्वार से आपको जल आपको आना शुरू करता है और वह पूरे चैम्बर में आपको जल भर जाता है, पूरे चैम्बर में जल भर जाता है और भरने के बाद आपको क्या होता है कि वह डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब जल उसमें भरना शुरू होता है, ठीक है, जो निर्वात आपको यहाँ क्षेत्र शुरू होता है और जिस निर्वात क्षेत्र जैसे शुरू होगा तो जल आपको क्या होगा डिस्चार्ज होना शुरू होगा, चैम्बर में पूरा भर जाएगा आपको वह द्रव पदार्थ और वह आपको क्या होता है बाहर फेंकना शुरू करता है। देखिए जल कहने का मतलब है कि वहनशील पदार्थ, और ऐसे हाइड्रोलिक्स में जल नहीं होता है, फ्लूड होता है जो द्रव शक्ति उसको बोलते हैं, अर्थात तेल होता है, किसी प्रकार का तेल होता है जो वहनशील होता है, ठीक है, जल नहीं होता है। लेकिन जल ही एक क्या है, वह एक वहनशील है, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि पंप जो होते हैं जो ऐसे जनरली रूप में आप जानते हैं कि आपको पंप का उपयोग क्या है कि जल को आपको खींचकर और उसको फेंकना, ठीक है, पंप को जल को खींचकर फेंकने का कार्य करता है, उसी प्रकार से इसमें भी आपको कार्य करता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में भी कार्य करता है। लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम में कार्य करता है क्या, तो यह आपको जो डिस्चार्ज जो हो रहा है चैम्बर में, जो आपको तेल जो आपको भर जाता है, वह आपको जब डिस्चार्ज होना शुरू होता है, गौर करेंगे तो यह डिस्चार्ज जो होना शुरू होता है तो यह आपको क्या होता है फ्लूड लाइन में जाना शुरू होता है और उच्च प्रेशर से जाना शुरू होता है, ठीक है। तो उच्च प्रेशर से जाने के लिए आपको जब जाता है तो इसी में आपको आगे जो लगा होता है आपको फिल्टर, ठीक है, छनेत्र, और उसको बाद आगे जो लगा होता है उसका आपको कंट्रोल बाल्ब, कंट्रोल बाल्ब आपको कितना हमें आवश्यकता है आपको तेल का उतना आपको भेजता है एक्ट्यूटर्स में, जो द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में आपको एक्ट्यूटर्स बदलता है, द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में एक्ट्यूटर्स बदलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यह सेंट्रीफ्यूगल पंप कार्य करता है और यह एक अपकेंद्रीय बल यहाँ कार्य करना शुरू करता है जिसके वजह से यह आपको दल को, जो आप इसमें कह सकते हैं कि तेल को, है ना, तेल को आपको चूसन द्वार से खींचकर एक फ्लूड टैंक से खींचकर और उसके बाद फ्लूड लाइन में भेजता है। यह मोटर द्वारा चलाया जाता है, बिना मोटर के कोई भी पंप आपको नहीं चलाया जा सकता है, तो यह मोटर द्वारा आपको चलाया जाता है और मोटर के जो आपको जो होते हैं वह जो चलाने का जो होते हैं जैसे इम्प्लायर जो ब्लेड है और इम्प्लायर ब्लेड जो जुड़े होते हैं जो केंद्रक में, यह केंद्रक में जो है स्पिंडल होते हैं उससे आपको जोड़ दिए जाते हैं मोटर के स्पिंडल को और इसको आपको गति में लाया जाता है। गति में लाते ही आपको आई जो देख रहे हैं यह, ठीक है, यह आई जो क्या होता है चूसन द्वार से जुड़ा होता है और वह चूसन द्वार से आपको फ्लूड टैंक से तेल को खींचना शुरू करता है, पूरे चैम्बर में तेल आपको भर जाता है और यह पूरे भरने के बाद डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, उच्च गति से आपको उसको फेंकना, आपको तेल को बाहर फेंकना शुरू कर देता है जो फ्लूड लाइन आपको लगा होता है यहाँ, और फ्लूड लाइन के जरिए आपको भेजता है कंट्रोल वाल्व में, कंट्रोल वाल्व नियंत्रित कर और उसके बाद एक्ट्यूटर्स में भेजता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमारी यह हाइड्रोलिक पंप कार्य करता है जिसमें आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आप जान गए। चलिए तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो पंप जो शेष बच गया, जैसे कि आपको रोटरी टाइप के ही पंप में जो बच गया एक्सटर्नल गियर पंप, इंटरनल गियर पंप, वेन पंप, उस सभी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।